जैसे ही खबर आई आज सुबह कि लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही, लोगों ने श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर भी लोग लता दीदी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कई ऐसे टीवी के कलाकार हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जो लता दीदी को अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुधांशु पांडे। आज बहुत दिल टूट गया क्योंकि द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर जी इज गॉन फॉर एवर। देर विल नेवर बी अनदर लता मंगेशकर एंड दिस वॉइड कैन नेवर बी फिल्ड एवर अगेन बाय एनीवन। वी ऑल ग्रोन अप लिसनिंग टू लता जी सॉन्ग्स एंड टुडे इट फील्स लाइक अ पार्ट ऑफ यू, अ पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, जो आपके जीवन का बहुत अभिन्न अंग रहा है वो आज चला गया हमेशा के लिए। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है लता जी के लिए, उनके परिवार के लिए, और मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। शब्दों की बहुत कमी है क्योंकि उनके लिए जितना कहा जाए बहुत कम है, तो भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सदगति मिले, उनको सदगति प्राप्त हो, शांति मिले। जय हिंद। नमस्कार, मैं सुगंधा मिश्रा, और आज ये शॉकिंग न्यूज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा दिल भरा है मेरा अभी, कि लता दीदी हमारे बीच अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं रही हैं। उनके लिए ऐसा लगता था कि वो गॉडेस हैं और उनको कभी कुछ हो नहीं सकता, तो बस यही प्रे है कि वो जहाँ कहीं भी हैं अभी हमेशा खुश रहें, और उनकी आवाज़ के ज़रिए हम हमेशा हमेशा उन्हें मानेंगे, उन्हें याद रखेंगे। हमारी प्यारी, हमारी देवी, हमारी संगीत की देवी, हमारी गॉडेस लता दीदी। आप सब जानते हैं सुबह सुबह हमें बहुत ही दुख भरी खबर मिली है कि हमारी लता जी नहीं रही है। इस न्यूज़ को सुनने के बाद एवरीबडी इज रियली अपसेट। आई एम वेरी अपसेट एंड रेस्ट इन पीस। वो काफ़ी तकलीफ़ों से गुजर रही थी, शी वॉज नॉट कीपिंग वेल। आई होप वेर एवर शी इज़ इन पीस, शी इज इन मेलेडी, एंड वी विल ऑलवेज यू नो फॉर एवर वील बी ग्रेटफुल to her for giving us amazing music, amazing songs, and she's a legend and she'll always be in our hearts. जैसा कि हम सबको बताया कि आज भारत रत्न श्री लता मंगेशकर जी हम सबके बीच नहीं रही, सबसे पहले मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उनकी कितनी सारी बातें हैं जो मैं साझा करना चाहता हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये पल यहीं ठहर जाए। ऐसा लग रहा है जैसे क्या कुछ खो दिया हमने इस लम्हे में। बचपन से उनके गाने सुनता हुआ आया हूँ, उनका एक गाना बड़ा पसंद है, नाम गुम जाएगा चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है घर याद रहे। हम सबको हमेशा ये याद रहेगा कि हमने लता जी के गाने सुने, हम उनसे रूबरू हुए, उनकी आवाज से मिले। लता जी हम सबकी जिंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा है और हमेशा रहेंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर संकेत भोसले। अनफॉर्चुनेटली लता दीदी आज हमारे बीच नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। फिर भी उनके गानों के माध्यम से दीदी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी और हमारे प्रेयर्स में दीदी आप हमेशा रहेंगी। ओम शांति। मैं बस ये प्रे करती हूँ कि वो जैसे पास आउट हुई है बिल्कुल उनके लिए पेनलेस प्रोसेस रहा हो, आई होप। और जो उनके फैमिली फैंस सबके साथ लव लाइट एंड स्ट्रेंथ, एंड लता जी एक इंस्पिरेशन रही है सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हज़ारों करोड़ों लोगों के लिए। एंड आई होप के आफ्टर लाइफ जो भी है वो जहाँ पे भी जाए उनका सफ़र एकदम स्मूथ रहे, पेनलेस रहे। एंड ऐसा कहा जाता है कि जब कोई जब किसी की डेथ होती है तो जब आप रोते हो तो उन्हें और तकलीफ होती है, उनके सोल को डिपार्ट होने में और थोड़ी सी उनको दिक्कत होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनका समय आया तो उन्हें अपना बॉडी छोड़ के जाना पड़े, तो हमें रो के उनका ये जर्नी मुश्किल नहीं करना चाहिए। हमें अगर हम सच्चे दिल से उन्हें प्यार करते हैं
वी शुड सपोर्ट हर, वी शुड गिव हर स्ट्रेंथ इंस्टेड ऑफ क्राइंग, और यू नो वी शुड सेलिब्रेट द फैक्ट दैट शी हैज़ गिवन अस ऑल सो मच इन लाइफ, एंड ऑल्सो उनके जो गाने हैं, जो उनकी आवाज़ है वो हमेशा हमारे दिल में रहेगी. तो आई वुड से दैट शी स्टिल इन अस इन आवर हार्ट्स एंड शी विल ऑलवेज बी, एंड मे हर सोल रेस्ट इन पीस एंड स्ट्रेंथ टू हर फैमिली एंड स्ट्रेंथ टू ऑल हर फैंस. लता जी की ये न्यूज़ सुनकर बहुत ही दुख हुआ. बहुत सारी यादें वापस ताज़ा हो जाती है जब अक्सर जब ऐसा होता है. एंड सिमिलरली आई थिंक सुबह से जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है, मैं उनके गाने सुन रही हूँ. दिल तो पागल है कि गाने सुन रही हूँ, क्योंकि वो दैट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एल्बम ऑफ हर्स. क्योंकि जब मैं काफ़ी छोटी थी एंड जब फिल्म आई थी, जब गाने इतने फेमस हुए थे, दैट वॉज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू प्यार. प्यार क्या होता है, ये उन गानों से इंट्रोड्यूस हुई हूँ मैं, समझ पाई हूँ पहली बार. तो बहुत ही अहम और बहुत ही स्पेशल है उनकी जगह मेरी जिंदगी में, उनके गानों की जगह मेरी जिंदगी में. तो बहुत दुख हुआ, बट एट द सेम टाइम आई बिलीव कि शी लिव्ड अ ग्रैंड लाइफ. उन्हें जितना प्यार मिला है पूरे भारत वर्ष से, पूरे वर्ल्ड से, शी इज अ लेडी नाइटिंगेल कहा जाता है उन्हें. तो शी इज वन मेलोडी दैट वी कैन नेवर फॉरगेट. तो बहुत बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए. और ये हम पहले भी जानते थे दैट शी इज इररिप्लेसेबल, और आज ये और रियश्योर हो रहा है दैट शी इज एन इररिप्लेसेबल सिंगर इन अरेना. बहुत बड़े तपस्वियों ने तपस्या करके देवलोक में हलचल मचाई होगी कि नहीं, पृथ्वी खंड पर एक खंड है जिसका नाम है भारत, वहां भेजी जाएंगी लता मंगेशकर. और आज वो चली गई हैं, आज उनकी विदाई हो गई है. माँ सरस्वती, कल उनका पूजन था, आज उनकी विदाई हुई है. मैं ऐसे पुण्य दिन को, परम दिन को नमन करता हूँ और पूरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सदगति के लिए प्रार्थना करें, और हम सब उनसे सीख लें, उनके व्यक्तित्व से सीख लें. और उनका जो गाना है वो एनलाइटनमेंट, वो ज्योतिर्मय करने वाला है. युगों युगों तक जब तक मानव जाति रहेगी तब तक लता जी का अस्तित्व रहेगा. हरिओम, ओम शांति. जी हेलो पलक, मैं कलीम कुमारी बात कर रहा हूँ बीपी नीम से. लता मंगेशकर जी की जो भी खबर आई है सुबह सुबह, मतलब ये निहायत ही दुख भरी है. तो किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे जब आपको ये खबर आपने देखी? जब से पता चला कि लता जी की तबीयत नासाज है, हम सभी प्रार्थना कर रहे थे कि वो स्वस्थ होकर वापस हॉस्पिटल से लौट जाए. इस खबर को सुनकर सबकी तरह मुझे भी बहुत दुख हुआ है. मेरे लिए तो वो हमेशा से ही माँ सरस्वती का साक्षात रूप रही है. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि जिस तरह से वो अभी तक मेरी जर्नी में मेरे साथ रही हैं, आगे भी रहेंगी. जिस तरह वो हमें ब्लेस करके आए हैं, आगे भी करेंगे. उन्हीं का गाया हुआ एक गाना है, मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी, मेरा गम ना करना, मेरा प्यार याद करके कभी आंख नम ना करना. तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा, और उनका साया कल भी हमारे साथ था, आज भी है और कल भी होगा. जी बिल्कुल सही कहा आपने. आप एक खुद सिंगर हैं, तो आप फलक कितना इंस्पायर रही हैं, मतलब लता जी से? मेरे लिए वो जैसे कि मैंने कहा, माँ सरस्वती का रूप रहे हैं. हमेशा से ही मैंने उनके गाने सुन सुन के बहुत कुछ सीखा है. बचपन से जो पहला गाना मैंने गाया वो भी उनका ही गाना था मंच पर. और मुझे लगता है कि उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया है जिस जीवन से इंस्पायर होकर सिर्फ पहले की जनरेशन ही नहीं, मेरी जनरेशन ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ियां इंस्पायर होंगी. ऐसा एक जीवन रहा है उनका. पलक आपने सही कहा, क्योंकि लता जी ने भी 5 साल की कम उम्र से ही उन्होंने गाना शुरू किया था, और आपने भी लगभग अपना जो सफर है ये सिंगिंग का, गायकी का, वो भी आपने बहुत ही जल्दी शुरू किया है. तो जो जैसा आपने कहा कि मंच पर आपने कौन सा वो गाना गाया था, जरा अगर आप बता दें हमें तो सुना दें. जो पहला गाना मैंने गाया था वो था जल्दी सजी, अब क्या सोचे, मैं 2.5 साल की थी और जो शिशुनी के गाने सुना करती थी. जी पलक, एक चीज और ये जानना चाहते हैं कि कभी आपकी इसे मुलाकात हुई थी लता जी से, तो कुछ यादें अगर कुछ बताना चाहती हैं तो.
बिल्कुल, मुझे सौभाग्य मिला था उनसे मिलने का जब मैं बहुत छोटी थी। उन्हें मेरी समाज सेवा के कार्य के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो लेकिन जब एक बड़ी गायिका बन जाओगी तुम अपने इस काम को कभी भी मत छोड़ना, बिल्कुल सही मायने में ये संगीत की आराधना है। और वो शब्द प्रेरित करते आए हैं, आज भी उनके वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे कि लता जी का ऐसा कौन सा गाना है, आप खुद एक सिंगर हैं तो कहते हैं ना कि कौन सा गाना जो आपके जहन में जैसे ही उनका नाम आता है तो कौन सा गाना आपके जहन में तुरंत आ जाता है? वैसे तो उनका हर गाना गाया हुआ एक सिंगर के लिए एक इंस्टीट्यूशन के समान है, लेकिन उनका नाम आते ही जो पहला गाना मुझे याद आता है वो ही लग जा के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए पलक जी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।